अपनी आँखों से बहकाएं, हिप्नोटाइज साइरन, आँखों का राबता, खुफिया इशारे। लड़कियों को बहकाने के लिए अपनी आँखों का इस्तेमाल कैसे करें? जब हम अपनी पसंद की लड़की से मिलते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो हम कुछ मुख्तलिफ करते हैं। हम अपनी निगाहों को, चेहरे और जिस्म के कुछ हिस्सों को भी शामिल करते हैं, लेकिन हम आखिर में लड़की की आंखों में ही देखते हैं। और अगर हमें लगे कि एक दूसरे को गर्मा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कुछ ताल्लुक है, कुछ केमिस्ट्री है, तो आप देखेंगे और वो भी महसूस करेगी कि आप दोनों किस तरह एक दूसरे की आंखों में ज़्यादा गौर से देखते हैं। आंखों के रबते पढ़ना। एक और चीज़ जो हम करते हैं जब हम किसी की तरफ मुतवज्जो होने लगते हैं, वो ये है कि जब वो बात कर रही होती है तो हम उसके होंठों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन फिर हम आँखों की तरफ जाते हैं और मुंह देखते हैं। तो यहाँ कुछ है जो आप अमली तौर पर कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि वो आपको देख रही है और आपके बोलते वक्त आपके मुंह की तरफ देख रही है, तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है। आप शायद यकीन ना करें, पर ये सच है कि वो सोच रही होगी कि आपको चूमना कैसे लगेगा। जी हाँ, लड़कियाँ ऐसा करती हैं, लिहाजा अगर आप भी शऊरी तौर पर ऐसा करते हैं तो आप लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के काबिल हो जाएंगे। उसकी आंखों का फैलाव। अगर आप वाकई ये जानना चाहते हैं कि कोई लड़की आप में दिलचस्पी रखती है, तो देखें कि उसकी आंखें कितनी खुली हैं। वो आपको जितना ज़्यादा पुरकशिश महसूस करेगी और केमिस्ट्री की डिग्री जितनी ज़्यादा होगी, उसकी आँखों का साइज उतना ही बड़ा होगा। उसके पलक झपकने की शर्रा, उसके पलक झपकने की शर्रा कुछ हद तक भर जाएगी, लिहाजा आप भी जानबूझकर अपने पलक झपकने की शर्रा में इजाफा करें। अगली बार जब आप डेट पर हों तो उसकी कशिश की सतह को देखें कि वो कहाँ देख रही है, वो कितनी तेज़ी से पलक झपक रही है और उसकी आँखों का साइज़ भी। लिहाजा उम्मीद है कि वो मोहब्बत से मजबूर होकर सामने आ जाएगी। ये वो आसान तरीके हैं, यानी आंखों का फैलाव और पलके झपकना, कि जिससे आप 100% उसे समझ सकते हैं। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।